एक आकाश, आपके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी पढ़ी, रोहतास में, सासाराम में भी लोगों से बातचीत की, बहुत कुछ आपकी कहानी जो धोनी जैसे सुनाई पड़ती है। आपके फादर भी आपको पियन बनाना चाहते। हाँ जी सर, बिल्कुल। पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट खेलना, क्योंकि उस टाइम पे बिहार में एफिलिएशन नहीं था बीसीसीआई का, और जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो ज़्यादातर बच्चों का फ्यूचर जो है वो पापा ने देखा था कि खराब हुआ है। तो इस ये वजह थी सबसे बड़ी कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ और कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। हम लोग सब इस दौर से गुजरे हैं। एक जो बड़ी बात ये रही वहां पे, ये भी सुना कि आपके मोहल्ले के बच्चों को मना किया गया था कि आपके साथ कहीं आपके जैसे उस समय जो कहा जाता था कि यार बर्बाद है, केवल खेलता कूदता रहता। बिल्कुल सही बात है कि मैं जब खेलता था क्रिकेट उस समय तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सिर्फ क्रिकेट से, पता नहीं क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि क्रिकेट में इतनी अच्छी फ्यूचर होती है, क्योंकि उस टाइम पे उधर से कोई क्रिकेटर नहीं था और ऐसी माहौल नहीं थी हमारे घर में वैसा। बट मुझे क्रिकेट से पता नहीं क्यों ऐसा लगाव था कि हम क्रिकेट के बिना नहीं रह पा रहे थे, तो हम दिन रात क्रिकेट ही खेलते थे जब भी हमको टाइम मिलता था। आसपास के पेरेंट्स जो देख रहे थे उनको ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा भी क्रिकेट खेलेगा, अभी नहीं पढ़ पाएगा, तो मना ही करते थे कि तुम उसके साथ मत रहो। अब जब आप टीम इंडिया में आए, बदलाव आया है, वहां पे आप जाते हैं तो मान सम्मान। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। अभी नहीं, जब मैं आईपीएल में आया था, मैच मैच खेला था, उस टाइम से ही उधर उधर के पेरेंट्स की मेंटेलिटी काफी चेंज हुई है। तो मुझे इस बात से काफी खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर एक पूरे समाज में, पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज हो सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है कि मेरे एक कोशिश से अगर इतना बड़ा चेंज आया है वहां पे। तो आपकी वजह से क्रिकेट वहां बदल गई या क्रिकेट बिल्कुल, खेलने आज का। हाँ आज वहां भी अपने बच्चे को पेरेंट्स छोटे से ही एकेडमी लेके जाते हैं उनके लिए। जो रेड बॉल की आपकी कहानी है, रेड बॉल आपने किस उम्र में देखा और कब से ये हो गया, क्योंकि आप काफी उम्र तक 16-17 साल तक मुझे लगता है टेनिस बॉल खेल रहे थे। बिल्कुल, एक्चुअल में सर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो क्रिकेट था ही नहीं, रेड बॉल क्या, वहाँ पे मैट भी नहीं था, वो सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट भी नहीं था, तो हम लोग खेल नहीं पाते थे क्योंकि सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, तो हम टेनिस क्रिकेट ही खेलते थे। रेड बॉल क्रिकेट में जब एक टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ साल में एक बार होता है वो 2-3 दिन के लिए, तो उसमें एक दो बार मैं खेला था, लेकिन उस समय मैं बैटिंग करता था, बॉलिंग नहीं हाँ, करता आप अच्छे था। बैट्समैन थे, मुझे शुरुआत। हाँ उस समय मैं बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे मैं रेड बॉल एक दो बार देखा था। फिर उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकला प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे पता चला कि रेड बॉल ऐसा होता है, फिर ऐसी चीजें होती है, ये होती हैं, सारी चीजें बाद में पता चला मुझे। मैंने बंगाल के काफी सारे कोचेज से बातचीत की और बंगाल जो पिछले 2-3 साल से 2-3 बार से रणजी में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो बताते हैं कि आपके जैसे या आप मुकेश कुमार जैसे जो बॉलर्स हैं, उसकी वजह से रणजी की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 2-3 बार में। जो लगभग यही कहानी इंडियन टीम की भी है। आज इंडियन टीम की जो बेस्ट बॉलिंग अटैक मानी जाती है दुनिया भर में, वो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हुआ है। तो आप उस पेस बैटरी में शामिल हो रहे हो जहां पे बुमराह है, सिराज है ना, आपके रूममेट मुकेश कुमार है, ये कितनी बड़ी बात है। और एज ए क्रिकेटर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो सबका सपना होता है कि मैं इंडिया का जर्सी पहनूं, तो इस हिसाब से देखे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस हिसाब से नहीं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। पहले मैं बंगाल के लिए खेलता था, अभी मुझे इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जिसको मुझे उसी तरह निभाना है जो मैं अभी करते हुए आ रहा हूँ, मुझे वैसा ही करना है। जब मैं इंडिया के लिए, देश के लिए परफॉर्म करूंगा, मैं देश को मैच दिखाऊ जिताऊंगा, मैं देश की जीत में जब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब मैं मुझे मुझे लगता है कि तब मुझे एंजॉय करना चाहिए अपनी खुशी को।